नमस्कार, आप देख रहे हैं डीबी लाइव। नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों पर। ईद से पहले लश्कर ने घाटी में चिपकाए धमकी भरे पोस्टर। उर्दू में लिखे इस पोस्टर में आतंकियों ने मांगे मुखबिरों के नंबर। अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास के बाद मेसी पर गिरी गाज। टैक्स धोखाधड़ी के मामले में मेसी और उनके पिता को 21 महीने की जेल। स्पेन की अदालत ने 15 करोड़ का जुर्माना भी लगाया। ढाका आतंकी हमले में कनेक्शन के बाद जाकिर नाइक पर कसा शिकंजा। जांच एजेंसियां जाकिर के बयानों पर रख रही है नजर। चार अफ्रीकी देशों की यात्रा पर आज आधी रात रवाना होंगे पीएम मोदी। यात्रा से पहले पीएम ने लिखा, अफ्रीकी देशों के साथ आर्थिक संबंधों को मजबूत करना है मकसद। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने कपड़ा मंत्रालय का संभाला पदभार। मीडिया से बातचीत में कहा, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। और बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। ईद से पहले आतंकी संगठन लश्कर ए तैयबा ने घाटी में धमकी भरे पोस्टर लगाए हैं। मस्जिदों के बाहर लगाए गए पोस्टरों में पुलिस और सेना की मुखबिरी करने वाले लोगों को गोली मारने की धमकी दी गई है और साथ ही उनकी जानकारी भी मांगी गई है। उर्दू में लिखे गए इस पोस्टर में लश्कर ने कहा है कि महिलाएं आर्मी या पुलिस ट्रेनिंग कैंप में ना जाए। साथ ही ठेकेदारों को सेना के साथ मिलकर काम न करने के लिए कहा गया है। लश्कर के इस पोस्टर में साफ साफ लिखा है कि अगर किसी व्यक्ति पर हल्का सा भी शक होगा तो उसे वहीं गोली मार दी जाएगी। चलते हैं अगली खबर पर। बार्सिलोना के स्टार खिलाड़ी लियोनेल मेसी की मुश्किलें बढ़ गई हैं। स्पेन की एक अदालत ने मेसी और उनके पिता जॉर्ज को टैक्स धोखाधड़ी के मामले में 21 महीने की सजा सुनाई है। मेसी पर सिर्फ सजा ही नहीं बल्कि उन पर 15 करोड़ रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। कोर्ट ने मेसी को अपनी छवि गढ़ने के लिए टैक्स की चोरी करने के मामले में दोषी करार दिया है। हालांकि अभी मेसी और उनके पिता के पास सुप्रीम कोर्ट में अपील करने का मौका है और वो फिलहाल जेल नहीं जाएंगे। मेसी पर आरोप था कि 2007 से 2009 के बीच मेसी ने तस्वीरों के अधिकार से जो पैसा कमाया था उसका जिक्र उन्होंने अपने टैक्स रिटर्न्स में नहीं किया और ना ही टैक्स चुकाया। पिछले महीने ही कोपा अमेरिका के फाइनल में चिली से मिली हार के बाद मेसी ने अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास ले लिया था, जिसकी वजह से उनके फैंस में काफी निराशा भी बनी हुई थी। बढ़ते हैं अगली खबर पर। राष्ट्रीय जांच एजेंसी और मुंबई पुलिस ने इस्लाम प्रचारक जाकिर नाइक पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। दरअसल ढाका आतंकी हमले का भारतीय कनेक्शन सामने आया था, जिसमें इस बात का खुलासा हुआ है कि ढाका हमले के आतंकी जाकिर नाइक के विचारों से काफी प्रभावित थे। बताया जा रहा है कि एक आतंकी ने तो सोशल साइट्स पर जाकिर नाइक के वो बयान भी शेयर किए थे जिसमें कहा गया है कि सब मुसलमानों को आतंकी बनना चाहिए। इस वीडियो के सामने आने के बाद अब सुरक्षा एजेंसियां नाइक के हर बयान पर नजर बनाए हुए हैं। जहां एक तरफ जांच एजेंसियां नाइक के वीडियो की जांच कर रही है तो वहीं जाकिर ने अपनी सफाई में कहा है कि इस बात से उन्हें कोई हैरानी नहीं कि ढाका के आतंकी उनके अनुयायी हैं। नाइक का कहना है कि 90% बांग्लादेशी उन्हें जानते हैं। फिलहाल नाइक उमराव करने सऊदी अरब गए हुए हैं और वहां से 11 जुलाई को भारत लौटेंगे। आपको बता दें कि नाइक वही डॉक्टर हैं जो ओसामा बिन लादेन को आतंकवादी नहीं मानते। नाइक और उनके संगठन पर प्रतिबंध लगाने की मांग जोरों पर है, लेकिन नाइक के खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं होने की वजह से सरकार ने फिलहाल इस पर कोई फैसला नहीं लिया है। रुक करते अगली खबर का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मध्य रात्रि 4 अफ्रीकी देशों की 5 दिवसीय यात्रा पर रवाना होंगे, लेकिन उससे पहले पीएम ने कहा है कि अफ्रीका के 4 देशों की यात्रा का मकसद संबंधों को मजबूत बनाना है, विशेष तौर पर आर्थिक क्षेत्र में और लोगों के बीच संबंधों को मजबूत करना है। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 5 दिवसीय यात्रा की शुरुआत मोजाम्बिक से होगी और इसके बाद वो दक्षिण अफ्रीका, तंजानिया और केन्या जाएंगे। मोदी की यात्रा का मकसद इन देशों के साथ हाइड्रोकार्बन, नौवहन सुरक्षा, कारोबार, निवेश और कृषि क्षेत्र में सहयोग को गहरा बनाना है। और अब बात केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी की, जिन्होंने मानव संसाधन मंत्रालय छीने जाने के बाद आज अपने नए मंत्रालय कपड़ा मंत्रालय का पदभार संभाल लिया है। इस दौरान उन्होंने मीडिया से बात करते हुए उन सवालों का जवाब भी दिया जिनमें उनके खराब काम की वजह से एचआरडी मिनिस्ट्री छीने जाने की बात कही जा रही थी। स्मृति ने कहा कि कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। साथ ही इस दौरान ईरानी ने पीएम मोदी का आभार भी जताया। उन्होंने कहा कि मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने मुझे पहले मानव संसाधन विकास मंत्रालय में और अब कपड़ा मंत्रालय में देश की सेवा का अवसर दिया। आपको बता दें कि कल हुए मंत्रिमंडल फेरबदल में एचआरडी मिनिस्ट्री की जिम्मेदारी प्रकाश जावड़ेकर को सौंप दी गई है। आज जावड़ेकर ने स्मृति से मुलाकात भी की थी और मंत्रालय को लेकर किसी तरह के मतभेद होने की बात से भी इनकार किया था।
इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए डीबी लाइव, क्योंकि यहाँ है खबरें लगातार।